पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी जाफर इकबाल ने अपने बयान में कहा है कि शरीफ खानदान को 3 साल से टारगेट किया जा रहा है और आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, सिर्फ हमारी लीडरशिप की किरदार कशी की जा रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुनान कब तक बर्दाश्त करेंगे और अपनी जुबानों को बंद रखेंगे? हुकूमत सिर्फ हमारे सब्र का इम्तहान ले रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम का पैसा नहीं खाया और ना ही कोई करप्शन की है। सिर्फ हुकूमत और चेहरे बदलने के लिए हमारी क्यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि मुश्किल वक्त में कौमी वहदत की जरूरत है, मगर हुकूमती तसादम और इंतकाम की पॉलिसी पर गामजन है और ये मुल्की तारीख में पहला मौका है जिस पर किसी मसले या इशू पर कौमी यकजहती का फुकदान है। इस वबा से मिलकर लड़ने की ऑफर की, मगर हुकूमती रवैया पगड़ी उछालने वाला है। हुकूमत अपने गलत फैसलों और सोच समेत अपनी नालायकी से कौम को नुकसान पहुँचा रही है और हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। If you'd like to be in touch with your community activities and would like be informed first of all, the Link 24 team around the world will appreciate if you subscribe our channel and also click on bell icon. Remember, your feedback can help us improve a lot because the Link 24 channel is just for you.